एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इश्यू हुए थे, इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है, गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर एज पर लॉ जो है। पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इश्यू हुए थे, इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है, उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपनी जो अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में, और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है, सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का जैसे मैंने बताया वारंट एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत